पता है जब किसी मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग अट्रैक्ट करना होता है तो वो क्या करता है, वो गाना गाता है। आप बिलीव नहीं करोगे बट दिस इज राइट। मेल फ्रॉग एक लंबी सांस लेता है, वो अपने मुंह और नाखून बंद करता है और अपने वोकल सेक्स को गुब्बारे की तरह फुलाता है जिससे एक अजीब सी आवाज़ निकलती है जो उनके लिए गाना होता है। एनिमल किंगडम में ऐसे कई मेल जानवर हैं जो फीमेल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने के लिए अजीब और गरीब काम करते हैं। मेल इंसेक्ट्स फीमेल इंसेक्ट्स को गिफ्ट देता है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। मेल बर्ड्स डांस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बता ही क्यों रहा हूँ। वेल बिकॉज वी आर ऑल्सो एनिमल्स और सब एनिमल्स की तरह हम भी फीमेल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं। और हम फीमेल्स को क्यों इम्प्रेस करना चाहते हैं सोचिए ज़रा क्यों? बिकॉज लाइक एवरी एनिमल्स इन दिस एनिमल किंगडम हम भी फीमेल पार्टनर्स चाहते हैं सेक्स करने के लिए, जिसे दूसरे वर्ड में कहते हैं सर्चिंग फॉर मेटिंग पार्टनर। सेक्स करने की इच्छा एक एवोल्यूशनरी और एनिमल इंस्टिंक्ट है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। मैं यहाँ आपको सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मे बी आई विल ट्राई दैट इन अनदर वीडियो। हम इस वीडियो से जानेंगे कि हम में से बहुत कोई क्यों लड़की से, स्पेशली ब्यूटीफुल लड़की से बात करने में नर्वस हो जाता है और हम इस नर्वसनेस को कैसे हटा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैसे ये नर्वसनेस रिलेटेड है हमारे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स। ऑफ कोर्स सब कोई नर्वस नहीं होता, वेल गुड फॉर देम, बट मोस्ट ऑफ अस डू गेट नर्वस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग नर्वस क्यों हो जाते हैं, और उसका आंसर है क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। आप सोचने लगोगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलना दूँ जिससे मजाक उड़ जाए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती है जिससे हम ओवरली सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग सेल्फ कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, एकदम फ्लॉलेस। सामने वाले लड़की को लगनी चाहिए कि अपने में तो कोई खामी है ही नहीं भाई। पर ऑब्वियसली नोबडी इज़ परफेक्ट, और परफेक्ट बनने के चक्कर में हम प्रिटेंशियस दिखने लगते हैं और कभी कभी तो उल्टा गलती ही करने लगते हैं, जिसे दूसरे वर्ड में कहते हैं नर्वस हो जाना, नर्वस दिखना। पर हम ऐसा करते ही क्यों है? परफेक्ट या कूल बनने का चक्कर ही क्यों है भाई? या परफेक्ट या कूल दिखना ही क्यों है? क्योंकि हम सामने वाले लड़की को अट्रैक्ट या उनका अटेंशन पाना चाहते हैं, उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं, और उसका रीज़न हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इट इज़ आवर सेक्सुअल अर्ज दैट मेक्स अस नीड टू इम्प्रेस फीमेल्स। ऐसा सब मेल जानवर्स करते हैं एंड वी आर नो डिफरेंट। दिस इज जस्ट अ ब्लडी थिंग दैट आवर माइंड इज हार्ड वायर्ड विथ। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग बिहेवियर वाइज काफ़ी डिफरेंट है बाकी सब एनिमल्स से। वी आर कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, हमें मैनर्स पता है, कैसे बात करे, कैसे खाए, कैसे बोले एक्सेट्रा। इट इज़ आवर इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल दैट मेड अस सो। बट कोई कोई ऐसी चीज़ें जहाँ वी स्टिल एक्ट वेरी मच लाइक अदर एनिमल्स, एंड वन ऑफ दोज इज सेक्स। इसलिए बाकी सब एनिमल्स के जैसे हम भी फीमेल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें उनका अटेंशन पाना चाहते हैं। एक बात क्लियर है, भले ही हर कोई नर्वस नहीं होता है बट ऑलमोस्ट एवरीवन ट्राइज टू इम्प्रेस या अटेंशन पाना चाहता है। पर यहाँ मेन सवाल ये है कि आखिर इस नर्वसनेस को हटाएं कैसे? बहुत सिंपल है, शायद आपको अब तक पता भी चल गया होगा। जब भी आप किसी लड़की को अप्रोच करते हो, सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो कि वो लड़की कभी तुम्हारी सेक्सुअल पार्टनर बनेगी भी। तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है भाई। देखिए, भले ही आप इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होते हो, बट सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग फीमेल्स को नोटिस करने पे हमें इम्प्रेस करने के मोड में ही कर देता है, क्योंकि वो फीमेल्स को पोटेंशियल सेक्सुअल पार्टनर की तरह ही परसीव करता है। थ्रू आउट दिस एवोल्यूशन अपना ब्रेन ऐसा हो गया है। तो आपको अपने दिमाग के अगेंस्ट जाना है, उसे ये समझाना है कि लड़की, सामने वाली लड़की जिससे आप बात कर रहे हो, उसके साथ तुम्हारा कोई चांस है ही नहीं। जस्ट डोंट गिव अ फक अबाउट सेक्स। अपने सेक्सुअल नेचर को सप्रेस करो, सामने वाले लड़की को एक पर्सन की तरह देखो। Do not attach her gender. और तब आपका part of the brain जो sexual instinct को process करता है वो switch off हो जाएगा या active नहीं होगा। उसके कारण ना ही फिर आपको impress करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप normal होकर बात कर सकोगे। You will be yourself. और हकीकत यह है कि लड़की को वही लड़के पसंद होते हैं जो जैसा है वैसा ही दिखता है। Be yourself. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नजीब है। मुझे ह्यूमन बिहेवियर्स और इमोशंस को स्टडी करने में बहुत ही मज़ा आता है, और ऐसा बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और बिहेवियर्स होते हैं जो हम यूजुअली समझ नहीं पाते हैं, बट इनसाइड द माइंड यदि आप उसको स्टडी करोगे तो यू विल जस्ट बी इनलाइटेंड, एंड पता चलता है कि वो काफ़ी ईजी होता है उस चीज़ को यू नो ओवरकम करने में या टू वॉक थ्रू इट। और ऐसे ही कई सारे वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा जो आपको, हमको, हम सभी को कहीं ना कहीं टच करेगा ही, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इमोशंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि समहाउ वी ऑल विल फॉल इनटू दैट।